खबरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। खबरी कहीं गए? एक रूम ही ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, कैसन हो, मजे में हो ना। पिछली खबर में तो हम बता रहे थे ना कि हमारे सासू ससुर जी कौन से सासू जी के लिए गाना गा रहे थे। अब सास ससुर जी गाना कहे गा रहे थे हमको तो ये समझ में नहीं आया। फिर हम बुला रहे थे ना माँ वही के लड्डू देने थे ना। अब उम्र हो गई है, बुजुर्ग आदमी उठ के यहाँ तक आएंगे अच्छा नहीं ना लगता है, तो हमको जाना पड़ा था ना उधर। 80 साल की उम्र हो गई है, सही बता रहे हैं। तो हमारे ससुर जी ने क्या गाना गाते हैं सासू जी के लिए पता है? एक गरम चाय की प्याली हो, कोई मुझको पिलाने वाली हो। हम बोले मोरी मैया आपके पास तो है, फिर गाते हैं नहीं, बोलते हैं कि गोरी हो या काली हो सीने से। हम बोले हमारे सासू जी कहाँ गई है? ऐसे सासू जी के होते हुए ना आप ये गाना कैसे गा सकते हैं? अभी भी हम ढूंढ रहे हैं, सासू जी मिले नहीं ना। भी बोलते हैं बहुरानी हम तो मजाक में गा रहे हैं, जो सासू जी से शिकायत की हो ना तो देख लियो। हम बोले ठीक है, हम तो करेंगे शिकायत। तो ये बात हो गई, अभी हम सासू जी को ढूंढते हैं, उससे पहले आपको खबर दिखाते हैं, चलिए। बेबी डॉल सिंगर कनिका कपूर एनआरआई बिजनेसमैन से करेंगी शादी। जी हाँ, बॉलीवुड में कई सुपरहिट और मशहूर गानों को अपनी आवाज देने वाली सिंगर कनिका कपूर दूसरी बार दुल्हन बनने वाली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कनिका की सगाई हो चुकी है और उनकी शादी लंदन के एक एनआरआई बिजनेसमैन गौतम से होने वाली है। कनिका की शादी पहले एक एनआरआई बिजनेसमैन राज से हुई थी और साल 2012 में दोनों अलग हो गए। बता दें कि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कनिका कपूर और गौतम की शादी इसी साल मई में होगी, जो कि लंदन में होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कनिका और गौतम करीब एक साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और पिछले 6 महीने से शादी के बारे में सोच रहे हैं। अफवाहों के अनुसार कनिका और गौतम मूल रूप से लंदन में अपने एक परफॉर्मेंस के दौरान मिले थे। कई दावे सामने आए हैं और सोशल मीडिया पर उनके अनुयायी भी इस बात का अनुमान लगा रहे हैं। फिलहाल कनिका ने रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भले ही उन्होंने अपनी आगामी शादी के बारे में कुछ भी खुलासा नहीं किया है, लेकिन अटकलें तेज हैं। कनिका कपूर जो पूरे अमेरिका का दौरा कर रही हैं और खचाखच भरे स्टेडियम्स में परफॉर्मेंस दे रही हैं, उन्होंने इस खबर का खंडन नहीं किया है। शादी की खबर के बारे में पूछे जाने पर कनिका ने हाथ जोड़कर और हैप्पी स्माइल इमोजी के साथ जवाब दिया। उन्होंने आगे कहा, कृपया इंस्टाग्राम पर मेरे अपडेट्स देखें। मैंने US, ह्यूस्टन, जर्सी और वॉशिंगटन में 3 सफल दौरे पूरे किए हैं, 10 और यात्राएं अभी बाकी है। जब उनसे उनकी कथित आगामी शादी पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया तो कनिका ने कहा, बहुत खेद है कोई टिप्पणी नहीं। खैर वे शादी कब करेंगी इसका ऐलान तो वे खुद ही करेंगी। खैर इस खबर में तो बस इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बधाई हो बधाई हो बधाई, हम करे आज करे कॉल करे, शादी तो करने वाली है ना। तो हम बोले दर्शक लोग का है बधाई अभी से दे देते हैं, क्या कहते हो? सब सही कह रहे हैं ना। अब हमारे घर पे भी छुटके ससुर जी की, छुटकी सासू जी, अब दोनों की शादी होने वाला है। और फिर हेनिल कुमार को भी फाइनली लड़की मिल गई है ना, तो उनकी भी शादी होने वाला है। बात करवाए थे हमसे क्या आंटी, तो बात करो ना बहुरानी से, बहु बहुत प्यारी है, का थूनी जननी ना लगनी चाहिए। हम अम्मा के यहाँ ना ऐसे करते हैं कि कुछ बोल दे कि निजर नहीं, अब बोलते हैं तो बोलते हैं दर्शक लोग, हम क्या करते हैं, हम भी ऐसी निजर उतार देते हैं। बहुत प्यारी लड़की, हम बोले आंटी, हमको बोलती है आंटी नमस्कार, कैसन हो, सब बढ़िया से है, तबीयत कैसे? हम बोले सब बढ़िया है, तुम कैसी हो? तो बोले हम अच्छे हैं। तो बोले कब आ रही हो अपनी आंटी से मिलने? तो बोले आंटी जल्द आएंगे। हम बोले आओ आओ, खूब खूब आशीर्वाद। तो अब दोनों की शादी करवा ही देनी है, हमारे घर में तो बहुत शादी का माहौल है, क्या बताएं। हमारे ससुर जी सबसे ज्यादा खुश हैं, जब देखो तब छुटके ससुर जी छुटकी सासू जी को छेड़ेंगे और फिर जब मौका मिला तो जाके वो हेनिल कुमार को छेड़ेंगे। वो ई बात है, अभी हम फट से जाते हैं, झट से लाते हैं नई खबर। कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा आंटी के साथ। जयराम जी की।